वार्ड 59 में विकास के मुद्दों को लेकर पार्षद पति प्रमोद शुक्रवार से चर्चा। भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार करने में लगे हैं वार्ड 59 के पार्षद प्रमोद शुक्रवार जी, जो चुनाव में वादे किए थे जनता से, उस पर आप खड़े उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जिस सेम बस्ती की हम बात कर रहे हैं, जहां पर पानी के लिए आम जनता तरस रही थी, वहां जल्द ही लोगों को पानी की सुविधा अपने घर में मिलेगी। हम बता दें, तमाम झुग्गी बस्ती के जो लोग हैं, जो पानी के लिए इधर उधर भटकते रहते थे, लेकिन तत्काल पार्षद निधि एवं विधायक के सहयोग से यहाँ पर नल जल सुविधा घर घर पहुँचने वाली है, काम शुरू हो गया है। हमारे बीच में यहाँ के स्थानीय पार्षद जी प्रमोद जी है, हम उनसे बात करेंगे कि ये काम कब तक शुरू हो जाएगा और शुरू होने के बाद कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ये 4 तारीख को माननीय मंत्री जी ने अंदरनगर चौराहे पर सभी विकास के कार्यों का भूमि पूजन किया था और उसके तत्काल बाद दूसरे दिन ही 5 तारीख से ही क्या कहते हैं, ये नर्मदा जल का पानी के लिए घर घर कनेक्शन के लिए हमने पाइपलाइन भी कल डल गई, कल पूरी पाइपलाइन डल गई है और अतः शीघ्र ही क्या कहते हैं, यहाँ पर लोगों के घरों में नल का पानी उपलब्ध हो जाएगा। नहीं, अच्छा महसूस कर रहा हूँ, माननीय मंत्री जी के निर्देश में सारे काम हो रहे हैं और मुझे कहीं भी कोई कार्य करने में अड़चन नहीं आ रही और माननीय मंत्री जी के सख्त निर्देश रहते हैं कि जो भी वार्ड की मूलभूत सुविधा है वो जो जनता तक पहुंचना चाहिए वो जनता तक पहुंचना चाहिए। बिजली के लिए भी क्या कहते हैं, माननीय मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, वो अथा शीघ्र क्या है, BHL का टाउनशिप का मामला है, बहुत बड़ा मामला है, विगत 50 वर्ष पुराना मामला है और इस मामले को लेकर भी माननीय मंत्री जी बहुत गंभीर है और बहुत अथा शीघ्र ये भी मामला हो जाएगा। हमारे साथ वार्ड 59 के पार्षद प्रमोद शुक्रवार जी, उन्होंने कहा अन्ना नगर के विकास में हम हर संभव प्रयास करेंगे और जितना हो सकेगा हम यहाँ पे विकास करेंगे, बहुत जल्दी यहाँ लोगों को स्थायी मीटर देने का भी हमारा प्रयास है और हम उस प्रयास में जल्दी सफल होंगे। हेडलाइन 24 संतोष योगी भोपाल।